आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के बरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका क्रेडिट होता है इसके अलावा भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सानी अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणुल शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास कर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंडी उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंडस के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग एक क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका होता है इसके अलावा भाटिया कोई मुंडी हरी तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास कर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंड के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड है वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉयस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका क्रेडिट होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो न्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस की टीवी के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पल्वी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डांटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो गुंडे उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइन्स के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फ़िल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता अनरवी पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका क्रेडिशन होता है इसके अलावा भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग तो नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वे दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस टीवी के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग एक क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लरु निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फ़िल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका क्रेडिशन होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो गुंडे उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वे दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउटस्टैंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइन्स के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फ़िल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फ़िल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका क्रेडिशन होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग तो नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पोल्टिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउटस्टैंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस टीवी के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में YouTube पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग एक क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लडू निक्के बरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लरु दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों रश्मिका मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका क्रेडिट होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरी तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्रणूल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणुल शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंडी उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट फ्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंडस के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लडू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका क्रेडिट होता है इसके अलावा भाटिया कोई मुंडी हरी तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्रोनुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंडी उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंडस के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग एक क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के बरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महातरे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों रश्मिका मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इसके अलावा भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सानी अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणुल शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारणवश उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास कर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंडस की टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग एक क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लडू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैन से वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता यानी होता है इसके तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी राव रमेश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास कर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस की टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉयस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों रश्मिका मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता अनरवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका क्रेडिशन होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पल्वी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस की टीवी के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फ़िल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता अनरवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका क्रेडिट होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डांटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो न्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैं टी टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता अनरवी पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका सीन होता है इसके अलावा भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्रोनुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणुल शहर है जहाँ पर एक दबंग तो नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास कर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वे दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैं टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फ़िल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फ़िल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका चिन्ह होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणल शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वे दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउटस्टैंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइन्स के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फ़िल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लडू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फ़िल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों रश्मिका मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता अनरवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरी तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फिल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्रणूल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट फ्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस की टीवी के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग एक क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लडू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महातरे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों रश्मिका मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका क्रेडिट होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरी तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्रणोल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणुल शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंडी उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंड के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग एक या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लडू निक्के बरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैन है वो अब अपने हिंदी रबिंग में काफी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉयस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की लेडी कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका होता है इसके अलावा भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सानी अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणुल शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो गुंडे उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंडस के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग एक है दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फिल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सानी अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग तो नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास कर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंडस की टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इंजॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैन वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता अनरवी पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका सीन होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पल्वी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्र शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास कर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो न्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैं के टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूँगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पल्वी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्रोनुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो गंडेस के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैं टी टीवी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्र नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता अनरवी पेड़ी पूड़ी यानी कि इनका क्रेडिशन होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण वह उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है ख़ास वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट ट्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस टीवी के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लरू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफ़ी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई एम रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका क्रेडिटिशन होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधाम ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बात की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणल शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंडे उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वे दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउटस्टैंडिंग कहानी और इसका क्लाइमैक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइन्स के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फ़िल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लड़ू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गज़ब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी डिबिंग में काफी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों का मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका क्रेडिशन होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरि तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फ़िल्म में आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि कृणुल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो करणुल शहर है जहाँ पर एक दबंग तो नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंड्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वे दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउटस्टैंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड मैंस टीवी के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में YouTube पर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग एक क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी आज हम दोस्तों महेश बाबू की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले हिंदी में आई है और आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में सभी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय कर सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है सारे लडू निक्के वरु इस मूवी को 2020 में रिलीज़ कराया गया था और इस फिल्म का हिंदी में नाम श्री लडू दिया गया था और फिल्म के अंदर हमें जो है वो कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिला था ये जो फ़िल्म है वो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है साथ ही में इस मूवी के अंदर आप सभी को एक गजब की स्टोरी भी देखने को मिलेंगी लेकिन हाँ यहाँ पर वही बात आ जाती है हिंदी डबिंग की जो कि उतनी खास शायद आपको नहीं लगेंगी क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैं से, वो अब अपने हिंदी रिबिंग में काफी सारे बदलाव कर रहे हैं तो वैसे में यहाँ पर आपको इस बार जो है वो महेश बाबू के वॉइस में संकेत महात्रे नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के अंदर आप सभी को लगभग पौने तीन घंटे का रन टाइम देखने को मिलेगा और 5.8 की इसकी आई रेटिंग भी यहाँ पर शामिल है और बाकी दोस्तों जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इससे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दम ज़रूर है चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में अगर देखने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आप सभी को हिंदी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया है फिल्म की कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है और महेश बाबू की एक जो है वो नई स्टोरी यहाँ पर मतलब एकदम नई फ्रेश स्टोरी के साथ वो इस फिल्म में आ चुके हैं इसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाया गया है साथ ही में दोस्तों फिल्म में आपको काफी सारी जो है वो मतलब काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में और कहाँ ये अवेलेबल है वो भी हम बात करते हैं फिल्म के अंदर आप सभी को दोस्तों रश्मिका मंदना महेश बाबू विजया शांति संगीता रवि पेड़ी पूरी यानी कि इनका क्रेडिट होता है इसके अलावा तमन्ना भाटिया कोई मुंडी हरी तेजा पलवी दौरा राव रमेश जया प्रकाश रेडी प्रकाश राज अनुषा भरद्वाज श्री सुधा ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी की जो कहानी है वो भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है तो चलिए एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ भी दोस्तों डाल लेते हैं और जानते हैं कि फिल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी है आखिरकार किस प्रकार की है और फिल्म में आपको क्या खास देखने को मिलेगा इनके बारे में चर्चा करते हैं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी के बाद की जाए तो फिल्म में आप सभी को जो है वो यहाँ पर महेश बाबू है इनका एक आर्मी वाला रोल देखने को मिलेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आप सभी को जो है काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा कहानी की शुरुआत अजय से होती है यानी कि महेश बाबू से जो कि एक साहसी सैनिया अधिकारी होते हैं और वो भारतीय सेना के लिए काम करते हैं दूसरी और यहाँ पर भारती भी है जो कि इस मूवी के अंदर अहम किरदार इनका भी है यानी कि विजया शांति जो कि क्रणूल शहर में एक ईमानदार प्रोफेसर है वहीं जो कर शहर है जहाँ पर एक दबंग नेता यानी कि प्रकाश राज होता है जो कि भारतीय को मुश्किल में डालता है और वह उसकी जान की मतलब उसकी जान लेना चाहता है इसके बाद यहाँ पर भारतीय का एक बेटा भी होता है जो वहीं पे काम करता है जहाँ पर अजय यानी कि महेश बाबू काम करते हैं और किसी कारण बस उन्हें घर आना होता है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अब महेश बाबू जो है वो घर आते हैं और वो जो है भारती की मदद करते हैं भारती को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है खासकर वो गुंडा भी उसके पीछे बड़ा होता है साथ ही में उसको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज में उसने एक लड़के को डाटा होता है जो कि एक ऐसे परिवार था जिनका पॉलिटिक्स पावर ज़्यादा था पैसे वाला था लेकिन यहाँ पर भारतीय एक ईमानदार प्रोफेसर होने की वजह से वो खुद ही जॉब को छोड़ती है लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि क्योंकि वो कंडी उसके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब अजय जो यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद जो है वो दोस्तों जो कहानी घटित होती है वह दोस्तों आपको फिल्म के अंदर आगे दिखाया गया है इस मूवी की आउट फ्रेंडिंग कहानी और इसका क्लाइमेक्स आपका दिल ज़रूर जीतेगा साथ ही में दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी लाइन भी दे देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप गोल्ड माइंड के टी चैनल के ऊपर ज़रूर देखिए आपको ये फिल्म वहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन फ्यूचर में अगर इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आप सभी को जो है वो जानकारी ज़रूर दूंगा लगभग ये क्या दो महीने के बाद ये मूवी जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी